Last class, we were discussed about the methods of balancing a redox reaction. Previous class की अगर बात करें तो उसमें एक तो आपने देखा था कि कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कोई भी redox reaction का बैलेंस करते हो, और second one थी अपने पास oxidation half way, oxidation number method. तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करें तो according to आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कोई भी redox reaction को बैलेंस करते हैं तो अपने पास एक तो acidic medium में complete होती है, और second आपके पास क्या रहती है, basic medium में complete होती है. सेकेंड वन अपने पास था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगर अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन को यानी कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसमें भी दो मीडियम रहते हैं, एक अपने पास एसिडिक मीडियम और सेकेंड वन इज बेसिक मीडियम. तो एसिडिक मीडियम वाला अपन ने कम्प्लीट कर दिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिडिक मीडियम में कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस करते हैं. तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बेसिक मीडियम में किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है ना. आइए डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम. बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन by oxidation number method. Oxidation number method. By oxidation number method कैसे balance करते हैं. तो acidic medium में तो क्या होता है, अपने पास H plus ion add करते हैं. Basic medium की बात करें, in basic medium कि बेसिक मीडियम में कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को आप बैलेंस करते हैं. देखिएगा केमिकल रिएक्शन अपने पास है C4 प्लस OH माइनस CH3 प्लस H2PO2 माइनस. ये अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन. कि सर रेडॉक्स रिएक्शन कैसे, ये बता दीजिए. कि यहाँ पे फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कि सर जीरो. सर पीएच थ्री में आपके पास कितना है कि प्लस थ्री. और यहाँ सॉरी पीएच थ्री में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया प्लस वन. फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जीरो, जीरो से क्या हो रहा है माइनस थ्री. माइनस थ्री यानी कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन होगा. तो यहां पे आपके पास फास्फोरस का क्या हो रहा है रिडक्शन. फास्फोरस पे यहाँ पे चार्ज कितना है कि सर प्लस वन है. यहाँ पे चार्ज कितना है जीरो है. जीरो से प्लस वन हो गया यानी कि यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन. तो फास्फोरस जीरो से माइनस थ्री रिडक्शन. फास्फोरस आपके पास जीरो से प्लस वन यानी कि ऑक्सीडेशन. और वो केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उस केमिकल रिएक्शन को आप क्या कहते हो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है. कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, डिसप्रोपोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो अपने को इसको बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम. ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो माइनस थ्री प्लस वन. तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन हो, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, उसमें क्या रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर गेन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूज. यहां पे देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस पे कितना है जीरो. यहां पे चार्ज कितना आपके पास माइनस थ्री.
यानी कि फास्फोरस ने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन स्पेंड करे, यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज -3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है -3, मींस यहाँ पे फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, यहाँ पे आपके पास कितना है +1, यानी कि यहाँ पे फास्फोरस ने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करा है। तो कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं किसके, कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपके पास गेन करेगा। तो यहाँ पे गेन तो कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है 3, और लूज कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है आपके पास 1, तो आप इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो P4 प्लस OH माइनस PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस 3H2PO2 माइनस। अब अपने को चार्ज बैलेंस करना है कि सर चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, मैंने कहा चार्ज बैलेंस करते हैं OH माइनस आयन ऐड करके। तो सर कैसे, कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना है कि सर यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 3 है, कि सर 3 कैसे, तो H2PO2 माइनस 1 मॉलिक्यूल H2PO2 पर आपके पास -1 चार्ज है, तो 3 मॉलिक्यूल पे कितना रहेगा कि सर 3 रहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपके पास 1, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। अब देखिएगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, इक्वल हो चुका है। नंबर ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ पे भी 4 आपके पास और यहाँ पे भी फॉस्फोरस कितने हैं 4 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और 3 to the 6, 9। नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें 6 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 3। अब अपने को क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना। सर कैसे करेंगे, वही मेथड पुराना अपना, कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन कम हो उस साइड आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो आइए वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O गिव्स PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। ये आपके पास रिएक्शन क्या हो चुकी, बैलेंस, किससे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, अपने को देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे बात करें तो फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉस्फोरस का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, यानी कि नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। तो देखिएगा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, लूज कितने इलेक्ट्रॉन करे आपके पास 1, के सर हमें कैसे पता चलेगा कि लूज करें कि गेन करें। तो भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कि सर 0, 0 से यहाँ कितनी हो गई कि सर -3, तो 0 से -3 हो रही है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो आपके पास चार्ज कितने आ गया -3, -3 चार्ज का मीनिंग क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फॉस्फोरस से चार्ज कितना के सर +1, फॉस्फोरस से चार्ज +1 का मीनिंग क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करा था इसने, लूज कितने करना था इसको 3, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें तो लूज भी कितने करेगा 3, तो फॉस्फोरस से चार्ज यहाँ पे कितना है कि सर +1, तो इसको अपन क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल, एक फॉस्फोरस एटम पे चार्ज +1 था, तो 3 पे कितना हो जाएगा +3, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अब अपने को चार्ज बैलेंस करना है कि सर चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, देखिएगा 3H2PO2 माइनस, एक H2PO2 पे कौन सा चार्ज था -1, तो 3 पे कितना हो गया -3, और यहाँ पे OH में कितना चार्ज था -1, तो आप OH को क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब नेगेटिव चार्ज 3 यहाँ पे हो गए और 3 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो गए, बैलेंस हो गया चार्ज। नेक्स्ट अपन देखेंगे किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने 3 to the 6 और यहाँ ऑक्सीजन कितने आपके पास 3, तो 3 ऑक्सीजन कम थे, तो जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने ही आप क्या करते हो H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हो, कौन सी साइड में, जिस साइड में आपके पास ऑक्सीजन कम है, तो 3H2O।
अब आप देख लीजिए बैलेंस करके फॉस्फोरस कितने हैं, फोर, यहाँ पे फॉस्फोरस वन ये रहा, थ्री ये रहा, कितने हो गए फोर, ऑक्सीजन कितने हैं थ्री, और थ्री कितने हो गए सिक्स, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए सिक्स, हाइड्रोजन देख लीजिए थ्री, थ्री टू जो सिक्स, सिक्स और थ्री कितने हो गए नाइन, यहाँ पे थ्री और थ्री टू जो सिक्स कितने हो गए आपके पास नाइन। अब चार्ज की बात करें, यहाँ पे थ्री नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी थ्री नेगेटिव चार्ज, तो सब चीज बैलेंस है, एलिमेंट भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, तो ये कौन सी केमिकल रिएक्शन हो जाती है आपके पास, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। कौन से मेथड से आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, और कौन से मीडियम में, ये आपके पास रहेगी बेसिक मीडियम। तो इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बैलेंसिंग जो भी है वो आपको कंप्लीट हो गई, दोनों मेथड से अपने बैलेंसिंग कर ली, कौन कौन सा मेथड था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था, और सेकंड कौन सा था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी दो मीडियम थे, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी दो मीडियम है आपके पास, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो ये कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हो रहा है इसका, उसके बाद ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा ना, देखते हैं आगे। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे टॉपिक अपने ट्वेल्थ में भी है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल होता क्या है, ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, केमिस्ट्री का सेल। सेल क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एंड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है ना, कि सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसकी जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस स्टडी को तो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, वो चैप्टर अपने नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में अपन इसको डिस्कस करेंगे। अपने तो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो उसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले सेल की बात करते हैं, सेल क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो सर यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी हो गई, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक केमिकल एनर्जी। तो एक सेल तो ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एक सेल ऐसा होगा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो एक तो आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो सेल की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड होता है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसको आप कहते हो गैल्वेनिक सेल, तो अपन गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो सर क्या काम होता है इसका, इसका काम देखिएगा, ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सेल दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल? वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। सेकंड सेल अपने पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? कि वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका एग्जांपल आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है सर, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, कि NaCl का सॉल्यूशन था या NaCl मोल्टन स्टेट में था, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, आपको क्या मिला? Na मिला प्लस क्या मिला? Cl2 मिला, है ना। तो किसकी प्रेजेंस में हुआ ये? ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल क्या हुआ कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको आप क्या कह देते हो? गैल्वेनिक सेल कह देते हो। और गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल आता है अपने पास डेनियल सेल। क्या होता है आइए देखते हैं डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल में देखिए क्या होगा, एक कंटेनर है उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, का एक्वा सॉल्यूशन। एक और कंटेनर है उसमें आपके पास CuSO4 का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है एक्वासोल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं अपन अभी? डेनियल सेल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इसका एग्जांपल कौन सा है अपने पास? डेनियल सेल। तो डेनियल सेल की बात करते हैं। डेनियल सेल में दो कंटेनर होते हैं, एक में जिंक सल्फेट का एक्वासोल्यूशन, एक में कॉपर सल्फेट का एक्वासोल्यूशन। जिंक सल्फेट के एक्वासोल्यूशन में जिंक मेटल की रोड और कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर की रोड पर बैठ होती है। जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक की रोड और कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर की रोड, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं बैटरी से। इन दोनों को आपने कनेक्ट करा बैटरी से, एक आपके पास नेगेटिव टर्मिनल और एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल। इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करते हैं एक ग्लास की ट्यूब से। इस ग्लास की ट्यूब को आप कहते हो सॉल्ट ब्रिज। इस ग्लास की ट्यूब को अपन क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या होता है सर इसमें, क्या काम होता है? इस सॉल्ट ब्रिज में KCl
और के एन ओ थ्री का एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, KCl और KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ही कोई भी आपके पास सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन के अंदर मेटल की रोड प्रेजेंट हो और उसमें अगर आप बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। किसी भी सेल में दो पोर्शन होते हैं, एक आपके पास होता है कैथोड और एक आपके पास होता है एनोड, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, मैं भी आपको कह दोगे कि ये कैथोड है ये एनोड है, या ये कैथोड है या ये एनोड। तो एक बात सिंपल से अपने को पता रखनी है कि कैथोड कौन सा होता है। आप ये नहीं कहोगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो कैथोड है और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो एनोड है। कैथोड क्या कौन सा होगा, जहां पर रिडक्शन होता है उसको अपन क्या कहेंगे, कैथोड। और एनोड कौन सा होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको आप क्या कह दोगे, एनोड। जहां पर रिडक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, कैथोड, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको आप क्या कहोगे, एनोड। अब बात करें आपके पास दो मेटल की रोड है, एक तो आपके पास जिंक है और एक आपके पास कौन सी है, कॉपर। तो जिंक और कॉपर में से एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा होता है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, कि जो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी वो हमेशा क्या होगी, एनोड। क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे। तो जिंक और कॉपर की बात करें अगर अपन, तो जिंक और कॉपर में से जिंक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, कॉपर जो है कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, एनोड। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि Zn है वो कन्वर्ट होगा किसमें, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन है, और कॉपर वाला जो है इलेक्ट्रोड ये आपके पास क्या होगा, कैथोड। यहाँ पे क्या होगा, Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इससे आपको क्या मिलेगा, Cu। इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको आप क्या कहोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली रिडक्शन। तो इसको अपन क्या कहते हैं, डैमेज सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इसमें क्या होता है, दो आपके पास कंटेनर प्रेजेंट होते हैं, एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, सेकंड में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल की रोड प्रेजेंट होती है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड प्रेजेंट होती है ना। दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करते हैं किससे, सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, एक यू शेप ग्लास ट्यूब होती है जिसमें KCl और KNO3 का सॉल्यूशन भरा रहता है ना, KCl या KNO3 का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, नेगेटिव टर्मिनल जिंक मेटल की और पॉजिटिव टर्मिनल आपके पास कॉपर मेटल की ओर। अब बात करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, यानी कि कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा। तो इलेक्ट्रोड की बात करें तो कैथोड आपके पास वो इलेक्ट्रोड होगा जहां पे रिडक्शन होता है, एनोड आपके पास वो इलेक्ट्रोड होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन होगा, तो डिपेंड करता है किसी भी दोनों जो मेटल है आपके पास जिंक और कॉपर की, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि किसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होंगे। जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होंगे वो आपके पास एनोड होगा, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होंगे वो आपके पास क्या होगा, कैथोड होगा। तो यहाँ पे जिंक और कॉपर में अगर देखते हैं तो जिंक जो है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ये आपके पास क्या होगा, एनोड। कॉपर जो है उसकी टेंडेंसी कम होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ये आपके पास क्या होगा, कैथोड। यानी कि इस टर्मिनल पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, और यहाँ पे हमेशा क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा सर, कि यहाँ पे जो जिंक है वो सारा का सारा सॉल्यूशन में चला जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn प्लस टू में। और जो जिंक की रोड है वो धीरे धीरे थिन होती जाएगी, यानी कि पहले अगर आपने बहुत थिक रोड ली है तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी थिन में, क्योंकि वहां से Zn जो है वो Zn प्लस टू की फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा है। यहाँ क्या होगा,
यहाँ आपके पास रिडक्शन हो रहा है, सीयू जो है वो यहाँ डिपॉजिट होता रहेगा, यानी कि कॉपर की जो रोड है वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी, थिक होती रहेगी। जिंक की रोड तो क्या हो जाएगी, थिन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास ऑक्सीडेशन। इसकी रोड जो है वो क्या हो जाएगी, थिक क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, ये आपके पास था गैल्वेनिक सेल। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे अपन, कि अपने को पता है कि फ्लो ऑफ करंट हमेशा कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो, तो ये तो डायरेक्शन रहेगी फ्लो ऑफ करंट, वो रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, ये करंट के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन, करंट के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते। करंट कहां से कहां, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएंगे आपके पास, एनोड से कैथोड की ओर ट्रांसफर होंगे। करंट कैथोड से एनोड की ओर, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर। ये अपने पास था डेनियल सेल, ठीक है ना। तो कल की क्लास में शायद इसको अपन, इस चैप्टर को अपन माइंड अप कर देंगे। मिलते हैं कल, थैंक यू।